हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिकाजीज लर्निंग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आज से हम डबल ए और एसएसआर की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए हम मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्लास जो डबल ए और एसएसआर में जो मैथमेटिक्स आता है उसकी होगी। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी उनको आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़िए यहाँ से। और ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये मैथमेटिक्स की जो क्लास होंगी वो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स की क्लास की इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो इसका मतलब एसएसआर और डबल ए में जो मैथमेटिक्स आता है तो उसमें कौन कौन से टॉपिक ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे डबल ए और एसएसआर के अंदर जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन टॉपिक्स के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे पहला टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति, तो ये भी एक बहुत बढ़िया टॉपिक है। इसके अंदर भी कुछ दो या तीन सवाल इससे पूछे जाते हैं डबल ए एसएसआर के अंदर जो एग्ज़ाम होता है उसमें, मैथमेटिक्स के जो पोर्शन होता है उसके अंदर निर्देशांक ज्यामिति से दो या तीन सवाल ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो और दूसरा हमारा पॉइंट आता है वो आता है समतल। ठीक है, और फिर आता है सम्मिश्र संख्याएँ, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, तो इसको भी हम कवर करेंगे आगे आने वाली वीडियो में। और फिर आता है हमारा फलन एवं संबंध। ठीक है, और फिर आएगा हमारा प्रतिलोम त्रिकोण मिति। ठीक है, तो इसको भी हम बिल्कुल एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे, और जो भी इनके डाउट्स होंगे, जो भी इनसे क्वेश्चन बनेंगे उनको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसका हम बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मतलब एक छोटी से छोटी चीज़ को हम कवर करने वाले हैं इस सारी सीरीज के अंदर। ठीक है, तो फिर अगर बात करें अगले टॉपिक की तो कौन सा है, वो है सरल रेखा। ठीक है, और फिर रेखा युग्म, और फिर समुच्चय, द्विपद प्रमेय, अवकलन, समाकलन और द्विधारी संख्याएं। द्विधारी संख्या बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, इसको हम कंप्यूटर जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस होती हैं उसमें द्विधारी संख्याओं का यूज़ किया जाता है। द्विधारी संख्याओं मतलब बाइनरी नंबर, आपने भी सुना होगा कि बाइनरी सिस्टम क्या होता है। ठीक है, बाइनरी सिस्टम के द्वारा जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस होती हैं सभी इसी पर आधारित होती हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। और फिर आता है हमारा संक्यूब परिच्छेद मतलब कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन के अंदर क्या कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वो आती हैं परवलय आता है, अति परवलय आता है। ठीक है, दीर्घवृत्त आता है, ये सभी कॉनिक सेक्शन के अंदर आते हैं। ठीक है, और फिर हम पढ़ेंगे रेखाएं 3D में। ठीक है, और यहाँ पर एक वो थी, यहाँ पर एक टॉपिक था सरल रेखा, ये 2D के अंदर है। ठीक है, और ये वाली जो रेखाएँ हैं वो 3D के अंदर है। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लो तो 12th क्लास के अंदर हमारा एक चैप्टर था इसी के ऊपर, रेखाएं 3D में। ठीक है, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हमने द्विकोज्या पढ़ी थी, द्विकानुपात पढ़े थे। तो इसी पर ही आधारित कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे इस एग्ज़ाम के अंदर वो हम बिल्कुल कवर करेंगे। फिर हमारा टॉपिक आता है, वो आता है समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे उसको हम कवर करेंगे। और फिर आएगा गुणोत्तर श्रेणी, और फिर आएगा हरात्मक श्रेणी। तो इन सभी श्रेणियों के अंदर जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ होंगी बेसिक से लेकर एडवांस तक हम सारी चीज़ें कवर करेंगे इस सीरीज के अंदर। ठीक है, और फिर आएगा हमारा वर्ग समीकरण। ठीक है, वर्ग समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको भी हम बिल्कुल छोटी से छोटी चीज़ को कवर करने वाले हैं सीरीज के अंदर। और फिर हमारा आएगा सारणिक, सारणिक मतलब डिटर्मिनेंट, और फिर आएगा मैट्रिक्स यानी आव्यूह, और फिर हम वृत्त को कवर करेंगे। ठीक है, और फिर आएगा हमारा प्रायिकता, फिर आएगा क्रमचय और संचय। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मतलब टॉपिक है क्रमचय और संचय। इससे बहुत सवाल आते हैं, मतलब दो या तीन क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, क्रमचय और संचय से। ठीक है, और ऐसा जितने भी अभी मैंने टॉपिक बताए इसमें से कोई टॉपिक छूट भी सकता है, लेकिन क्रमचय संचय से सवाल ज़रूर आते हैं। ठीक है, क्रमचय संचय, और फिर इसके बाद हम देखें तो आता है सीमा और ऊंचाई एवं दूरी। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें हम त्रिकोणमिति अनुपात का यूज़ करेंगे। ठीक है, और त्रिभुज के गुण, तो त्रिभुज के कौन कौन से गुण होते हैं, इस पर कौन कौन से सवाल बनेंगे उनको हम बिल्कुल कवर करेंगे। तो दोस्तों ये सारी जितने भी टॉपिक हैं इन पर हम बिल्कुल जितनी भी वीडियो हो सकती हैं एक एक टॉपिक पर हम बिल्कुल बेसिक्स लेवल से एडवांस लेवल तक कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।